तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि फूड्स के स्टॉक के बारे में। पतंजलि फूड्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार पहले क्लियर अपडेट में देखने मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने मिली। लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर रिकवरी भी यहाँ पर देखने मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.04% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1301 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1342, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1381, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करेगा देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 1400, और उसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक है 1450, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1500 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1550 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस भाई, यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1251 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1216 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 1185 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।